गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डिस्प्ले डिवाइसेस के बारे में। डिस्प्ले डिवाइस बेसिकली होते क्या हैं? डिस्प्ले डिवाइस वो होते हैं जिसमें हमें कोई भी पिक्चर या इमेज शो होती है, उसे हम कहते हैं डिस्प्ले डिवाइसेस। जैसे कि हमारे टीवी स्क्रीन हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, मोबाइल फ़ोन हो गए, जहाँ पे भी हमें कुछ दिखाई दे रहा है वो सब है डिस्प्ले डिवाइस। ये एक आउटपुट डिवाइस होते हैं। इन्हें आउटपुट डिवाइस क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी कमांड देते हैं जब हम, तो हमारे पास कुछ आउटपुट निकलती है, तो इसलिए हम इसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर विजुअल रिसेप्शन। यानी कि हम कुछ आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, जो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन, विजुअल इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, प्रेजेंट करते हैं कुछ विजुअल इन्फॉर्मेशन, उसे हम डिस्प्ले डिवाइसेस के नाम से जानते हैं। तो आज का जो हमारा डिस्प्ले डिवाइस है वह कैथोड रे ट्यूब, यानी कि सीआरटी आपने बेसिकली देखा होगा, जो हमारे पुराने टीवी होते थे, टेलीविज़न होते थे पुराने, उसमें सीआरटी से काम करते थे। सीआरटी से हमें जो पिक्चर है, इमेज है, वो सीआरटी की मदद से शो होती थी उसमें। वो क्योंकि वो लंबे लंबे से होते थे टीवी, जो पुराने टीवी होते थे उसमें सीआरटी ट्यूब होती थी, इसलिए वो इतने बड़े होते थे। अब के ज़माने में तो हमारे पास एलसीडी और एलईडी आ चुके हैं, तो ये हमको ये देखने को नहीं मिलते। हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि कैसे काम करते थे। इसमें जो मेन पॉइंट है वो क्या, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन बीम है, फॉक्सिंग कोयल है, डिफ्लेक्शन कोयल है, एनोड कनेक्शन है, शैडो मास्क है, और फॉस्फर की लेयर लगी हुई है। इसका डायग्राम की मदद से हम समझेंगे कि ये कैसे कैसे कहाँ पे लगे और क्या काम करते हैं। ये आपको डायग्राम दिख रही होगी यहाँ पे, इसको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए, यहाँ से लाइट आ रही है, पीछे से यहाँ से लाइट आई, यहाँ पे ग्रिड कैथोड पे ये है, यहाँ पे छोटा सा जो कैथोड का पार्ट है, उसके बाद ग्रिड है, उसके बाद ये फॉक्सिंग एनोड है, उसके बाद एक्सेलरेटिंग एनोड है, ये हमारी वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है और ये हमारी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट है। ये उसके बाद फॉस्फोरस की कोटिंग की हुई है, इलेक्ट्रॉन बीम है जो निकल के आई है, एक स्पॉट बना रही है ये, और ये एक्वाडैग लगा हुआ है। इस पार्ट को हम इलेक्ट्रॉन गन बोलते हैं। अब देखिए हो क्या रहा है, यहाँ से लाइट आई, पास हुई कैथोड में से, पास हुई, चार्ज हो गई। कैथोड क्या करता है, यानी कि चार्ज है एनोड और कैथोड, ठीक है, यहाँ पे चार्ज हुई। यहाँ से एक बीम निकल के आई, बीम स्ट्राइक की, ये क्या है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। अब लाइट है, जो लाइट है ऐसे पूरे बंडल्स में आ रही है, वो पीछे से बंडल्स में आ रही है, तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट क्या करती है, सिर्फ जो वर्टिकल, ये क्या करती है, जो ऊपर वाली लाइट है या नीचे वाली लाइट है, उसको उस साइड में जाने से रोकती है। यानी कि वर्टिकल प्लेट इसलिए लगाई गई है कि जो लाइट है ऐसे वर्टिकल एक इसके अंदर से पास हो स्पेशली। ये आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे जो ये दो प्लेट लगी है कि यहाँ से सिर्फ लाइट पास हो, इसलिए इसको वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट बोला गया है। और आगे जो हॉरिजॉन्टल प्लेट है, अब वर्टिकल तो हमने इसमें से पास करा दी, अब जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइट रहेगी, एक और प्लेट लगाई हमने हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट, जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइट है वो इसमें से पास हो गई, वर्टिकल लाइट है इसमें से पास हो गई वो। और उसके बाद जो लाइट पास हुई तो एक स्पॉट बना दिया, जो इमेज क्रिएट हो रही है हमें, ये आपको दिख रही होगी इलेक्ट्रॉन बीम लिखा है, यानी कि जो ये बीम्स है बाहर आ रही है, इनको इलेक्ट्रॉन बीम बोला गया है। हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन प्लेट के बारे में बात कर ली हमने, वर्टिकल की बात कर ली। उसके बाद ये जो इसके ऊपर जो कोटिंग लगी हुई है, ये फॉस्फोरस की कोटिंग लगी होती है, ठीक है। और जो ये साइड में लगा हुआ है एक्वाडैग, ये एक्वाडैग हम साइड में क्यों लगाते हैं, ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो लाइट है वो सरफेस के साथ स्ट्राइक होके वापस ना जाए, इसलिए हम इसको एक्वाडैग लगाते हैं, ताकि ये जो लाइट है वो मतलब वापस नहीं आने देगा सरफेस के। यहाँ पे अगर स्ट्राइक होगी तो वापस यहाँ पे लाइट आ जाएगी और इमेज अच्छे से नहीं बनेगी, इसलिए एक्वाडैग लगाया जाता है ताकि स्ट्राइक होके लाइट वापस ना आए। तो ये थी हमारी इसकी वर्किंग सीआरटी की। एक बार इसकी अच्छी वाली फ़ोटो दिखा देते हैं आपको, ये देखिए, यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे लाइट आ रही है। तो यहाँ पे हमारी स्क्रीन है टीवी की, जो हमारे पुराने टीवी होते थे, आगे जो स्क्रीन दिख रही है आपको, ये पीछे से लाइट आ रही है, ठीक है, हीटर में से। ये हीटर फिलामेंट है, कैथोड ट्यूब है, कंट्रोल ग्रिड लगा हुआ है, यहाँ से लाइट है जो पास होके आ रही है कंट्रोल ग्रिड में से। यहाँ पे देखिए आपको एक्सेलरेटिंग एनोड बताया गया था, इलेक्ट्रॉन गन हम इस पार्ट को बोल रहे हैं, फोकसिंग एनोड है ये। इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये इनलार्ज हो गई, यहाँ पे फोकस
यानी कि फोकस, एक फोकस में से पास हो रही है, ये लाइट है। जब फोकसिंग एनोड क्यों लगाया, क्योंकि जो लाइट पास हो रही है वो एक पूरे एक मतलब जो वहाँ पे वो सरफेस दिया हुआ है सिर्फ उसी में से पास हो और ऊपर या नीचे से ना जाए। उसके बाद ये आपको जैसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के प्लेट के बारे में बताया गया था, ये हॉरिजॉन्टल प्लेट है इधर वाली और इस साइड वाली लाइट को रोकते हैं, ये सिर्फ इसमें से लाइट को पास होने देते हैं। ये देखिए यहाँ पे पास हो रही है। उसके बाद जो वर्टिकल प्लेट है वो वर्टिकल डायरेक्शन में लाइट पास हो रही है कि इसके ऊपर से ना लाइट चली जाए और इसके नीचे से ना लाइट चली जाए। ये इसलिए हमें जैसे लाइट आ रही कि लाइट यहाँ से ना निकल जाए इसलिए हमने हॉरिजॉन्टल प्लेट लगाई, और लाइट ये ऊपर से ना चली जाए इसलिए हमने ये वर्टिकल प्लेट लगाई है। उसके बाद सिर्फ हमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बीम की तरह हमारे पास लाइट है यहाँ पे मिल गई, इसको हम कहते हैं ल्यूमिनस स्पॉट। और जो ये है इसके पास, इसके ऊपर क्या होती है, फॉस्फोरस की कोटिंग, जो हमने पिछली वीडियो में देखा है इसके ऊपर फॉस्फोरस की कोटिंग होती है। तो ये था हमारा कैथियोड रे ट्यूब। तो रास्टर स्कैन डिस्प्ले, ये आपको बाद में बताएंगे कैसी इमेज बनती है, इससे पहले आप ये देख लीजिए इसके नीचे लिखा हुआ है जो कैथियोड रे ट्यूब और सीआरटी इज़ अ स्पेशलाइज्ड वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब स्पेशलाइज्ड वैक्यूम ट्यूब होती है इन विच इमेज आर प्रोड्यूस्ड। इमेज बनती है, कब बनती है, व्हेन इन इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक अ फॉस्फोरेसेंट सरफेस, जब एक बीम स्ट्राइक करती है फॉस्फोरेसेंट सरफेस को जो ये वाली है, तब हमारे जो ये फॉस्फोरस कोटिंग की हुई है इसके ऊपर जब स्ट्राइक करती है तो हमारे पास एक इमेज क्रिएट होती है। इट कॉन्टेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन बीम, वन और मोर इलेक्ट्रॉन गन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गन एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, एंड फ्लोरोसेंट स्क्रीन टू व्यू इमेज, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है जिसके ऊपर हमें इमेज जो दिखाई देती है। सॉरी उसके बाद क्या है, इट आल्सो कंटेन मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन कोयल एंड फॉक्सिंग सिस्टम। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि रास्टन स्कैन डिस्प्ले क्या होता है। तो अब हमने ये तो पता लग गया कि इमेज वहाँ से कैसे लाइट आ रही है, इमेज बन रही है, बेसिकली असली में क्या हो रहा है, असली में क्या हो रहा है, द इमेज इज रिप्रेजेंटेड एज अ सेट ऑफ रास्टर स्कैन लाइन एंड फॉर्म अ मैट्रिक्स ऑफ पिक्सल। हमें ये पता चल गया कि वहाँ से लाइट आई, सिंपल एक इमेज फॉस्फोरेंट स्क्रीन है उसके ऊपर स्ट्राइक की और हमारे पास एक इमेज बन गई। पर बेसिकली होता क्या है, जो लाइट बीम आ रही है वहाँ से, लाइट बीम आ रही है वो रास्टर स्कैन लाइंस की फॉर्म में हमारे पास जो पिक्सल बनाती है, रास्टर स्कैन लाइंस की फॉर्म में पिक्सल बनाती है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। बफर स्टोर्स द प्रिमिटिव पिक्सल रेदर देन डिस्प्ले प्रोग्राम, वीडियो कंट्रोलर रीड्स द पिक्सल कंटेंट टू प्रोड्यूस द एक्चुअल इमेज ऑन द स्क्रीन। As the electron beam moves across each row, the beam intensity is turned on and off to create a pattern of illuminated spot. Basically, इसमें क्या बताया गया है कि वहाँ से जो लाइट आई वो एक हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रेट्रेस बनाएगी वो। वीडियो कंट्रोलर रीड द पिक्सल कॉन्टेंट टू प्रोड्यूस द एक्चुअल इमेज, एक वीडियो कंट्रोलर लगा हुआ है वो रीड करेगा पिक्सल को और वो बताएगा कि हाँ इमेज जो स्क्रीन के ऊपर है उसके ऊपर कौन सी इमेज हमने दिखानी है। As the electron move जो इलेक्ट्रॉन बीम है, जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है वो मूव करेगी ईच रो में, हर एक रो में वो मूव करेगी। यहाँ पे जैसे आपको दिख रही होगी 1, 2, 3 ये लाइंस लगाई हुई है, यहाँ पे देखिए इससे आपको क्लियर हो जाएगा, ये आई इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से पास हुई, ये एक लाइन बनाई इसने, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 10 ये पूरी लाइन बना दी और इसके साथ में इसने एक इमेज भी क्रिएट कर दी। तो ये ऐसे काम करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है एज द इलेक्ट्रॉन बीम मूव्स अक्रॉस ईच रो, हर एक रो में वो मूव करेगी, द बीम इंटेंसिटी इज टर्न ऑन एंड ऑफ टू क्रिएट अ पैटर्न, जो बीम की इंटेंसिटी है वो ऑन ऑफ होती रहेगी जैसे कि उसने जिस तरह का उसने पैटर्न बनाना है, ठीक है, इससे हमारी जो इमेज है क्रिएट हो जाएगी। इसके एक और डायग्राम दिखाते हैं आपको, ये वाली, ये देखिए ये वाली डायग्राम देख लीजिए पहले आप, ये यहाँ पे बीम आई, ठीक है, यहाँ पे लाइन क्रिएट हुई, एक और लाइन क्रिएट हुई जहाँ पे उसने इमेज बनानी है उसके, वहाँ पे इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई और वहाँ पे हमें इमेज जो शो होने लग गई, ठीक है। ये देखिए जैसे हमारे पास ये इमेज है जो क्रिएट हो गई। रास्टर क्या होता है, बेसिकली ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ पॉइंट और डॉट, जो ये पॉइंट और डॉट है इसको हम रास्टर कहते हैं, जो ये पॉइंट और डॉट हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं रास्टर। एंड इमेज इज सब डिवाइडेड इनटू अ सीक्वेंस यूजुअली हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बन रही है ये नोन एज स्कैन लाइन, इनको हम स्कैन लाइन बोलते हैं, विच कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्क्रीट पिक्सल फॉर प्रोसेसिंग इन अ कंप्यूटर सिस्टम। रास्टर इमेज इज अ कलेक्शन ऑफ डॉट कॉल्ड पिक्सल। रास्टर इमेज क्या होती है, डॉट 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 से एक पिक्सल बनता है, ये देखिए ऐसे डॉट 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 से
एक पिक्सल बनता है। यहाँ पे भी आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहा होगा, ये इसको थोड़ा इनलार्ज करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए ये आपको डॉट 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 से दिखाई दे रहे होंगे, इनकी मदद से हमारे पास एक जो